हेलो एक्सपीरियन वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड डेटेड ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस एनालिसिस हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यहाँ पर फोर्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग जी एम क्रॉप्स तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था जो जी एम मस्टर्ड है उसको जी ई ए सी ने क्लियरेंस दे दी है इन्वायरमेंटल रिलीज़ के लिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर कुछ लोग गए कि नहीं जीएम क्रॉप्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं अभी यहाँ पर प्रॉपर स्टडीज़ नहीं हुई हैं और हो सकता है कि यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंस देखने को मिले ये सब है ठीक है फिर यहाँ पर जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं इनका ये कहना है कि बेसिकली जी एम क्रॉप्स तो हम पहले से ही कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम जिन कंट्री से कुकिंग ऑयल इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स परमिटेड हैं तो हम पहले से ही जीएम क्रॉप्स को यूज़ तो कर ही रहे हैं तो क्यों ना अपने ही कंट्री में यहाँ पर जीएम क्रॉप्स को लगाया जाए और जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम की जाए तो एड्रेसिंग कंसर्न ओवर द क्लियर ग्रांटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेट मंडे दैट अबाउट फिफ्टी टू सिक्सटी ऑफ़ द कुकिंग ऑयल जो कि इंडिया कंज्यूम करता है इज इम्पोर्टेड फ्राम कंट्रीज जहाँ पर पहले से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स परमिटेड हैं तो हम यहाँ पर जी क्रॉप्स तो पहले से ही कंज्यूम कर रहे हैं और बाकी जो भी कंसर्न है कि इसकी वजह से यहाँ पर लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं वो तो यहाँ पर सुपरविजन के बाद ही पता चलेगा ना जब हम यहाँ पर क्रॉप्स को यूज़ करेंगे तो इट कुड ओनली बी अड्रेस्ड थ्रू कंटिन्यूड यूज ऑफ द क्रॉप अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन विच इज़ वॉट द कलेरेंस वॉज मेंट फॉर तो ये यह यहाँ पर पूरा इशू है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट परपस ऑफ चैरिटी शुड नॉट बी कन्वर्जन एलियोरमेंट इज डेंजरस तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है एंड यहाँ पर जो गलीबल लोग होते हैं उनको यहाँ पर किसी चीज़ का ऐसे कह के कि, कि आपको यहाँ पर चैरिटी कर रहे हैं आपके लिए आपको यहाँ पर ग्रेन्स प्रोवाइड कर दिए तो आप अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लो तो बेसिकली एलियोरमेंट करके यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन कराया जा रहा है अंडरलाइनिंग दैट द इशू ऑफ पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन इज अ वेरी सीरियस मैटर द सुप्रीम कोर्ट सेट कि चैरिटी यहाँ पर वेलकम है लेकिन पर्पज ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी गलीबल को यहाँ पर कन्वर्ट करो द पर्पज ऑफ चैरिटी शुड नॉट बी कन्वर्जन एवरी चैरिटी और गुड वर्क इज़ वेलकम बट वॉट इज रिक्वायर्ड यहाँ पर इंटेंशन आपकी कि आप उसकी हेल्प यहां पर क्या सोच कर कर रहे हो कि आप उसका यहां पर रिलीजन कन्वर्ट कराना चाहते हो वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड हु इज राइट एंड रॉन्ग वी आर हेयर टू सेट थिंग्स राइट एवरीबडी हैज अ राइट टू चूज देयर रिलीजन बट दे शुड नॉट बी बाई लेवरिंग बाई गिविंग समइट अगर आप यहां पर बिलीव करते हो कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्प करनी है पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प करनी है तो आप हेल्प करो लेकिन इस इंटेंशन से हेल्प मत करो कि आपको उसका रिलीजन कन्वर्ट कराना है तो एवरीबडी हैज राइट टू चूज द रिलीजन बट दैट शुड नॉट बी बाई लेंग बाई गिविंग सम ईट इफ यू बिलीव अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर पर्सन हैव टू बी हेल्प्ड यू कैन हेल्प फिर नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है रशिया के बारे में साइंस मोबिलिटी पैक्ट विद इस जर्मन काउंटर पार्ट तो यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिले हैं अपने जर्म, जर्मन जर्मन काउंटर पार्ट से अब यहाँ पर क्या बातें हुई हैं तो एक तो यहाँ पर मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है मोबिलिटी पैक्ट साइन होने का क्या मतलब है मोबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं पढ़ सकते हैं रिसर्च कर सकते हैं काम कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में इसीलिए एक यहाँ पर साइन हुआ है मोबिलिटी पार्टनरशिप और बाकी यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ का ये रहता है कि इंडिया यहाँ पर रशिया से क्यों ऑयल बाई कर रहा है इंडिया को रशिया से ऑयल बाई नहीं करना चाहिए हम एक तरीके से जो रशिया को हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की वॉर को फंड करने के लिए तो इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर क्लियर कर दिया ई यू बाई सिक्स टाइम्स मोर ऑयल देन इंडिया तो हमसे ज़्यादा तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इस वॉर को फंड कर रहा है विद द विजिटिंग जर्मन फॉरन मिनिस्टर जयशंकर ऑल्सो डिफेंडेड द इम्पोर्ट ऑफ ऑल फ्राम रशिया सेन कि यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है यह छः गुना ज्यादा ऑयल बाय करता है जो कि यहाँ पर इंडिया करता है अगर उससे हम कंपेयर करें और बाकी यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर इंडिया ने यहाँ पर क्लियरली क्या दिया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बाईलिटरली एंगेज होना चाहता है हमें किसी थर्ड पार्टी कंट्री की ज़रूरत नहीं है और बाकी यहाँ पर मोबिलिटी पार्टनरशिप साइन हुई जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ चुकी है ये आप सबको पता है हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी हमारे पास किस समय में आई है आपको खुद पता होगा किस समय में आई है क्योंकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है पहला इंसिडेंट जो कि हो रहा है दूसरी बात सप्लाई चेन डिसरप्शन चल रहे हैं फ्यूल और फर्टिलाइजर का प्राइस बहुत ज्यादा है तो इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी कम्स एट अ टाइम व्हेन द वॉर इन यूक्रेन हैज रॉयल डिसरप्टेड फूड एंड fuel supply uh, supply lines India has been vocal in कॉल्स फॉर एन अर्ली एंड टू द कंफ्लिक्ट और हम यही चाहते हैं कि यह जो कन्फ्लिक्ट एंड यह हो यहाँ पर डायलॉग से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए एट होम द पोलटिकल डिवाइड रंस डीप एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अर्जिंग पार्टीज की हमें यहाँ पर यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करना है और हमें इंडिया की यहाँ पर अचीवमेंट्स को शोकेस करना है नेक्स्ट हम चलते हैं आगे यहां पर सेम बात जो हमने डिस्कस की है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने क्या किया था जीएम मस्टर्ड को क्लियरेंस दे दी थी पेविंग द वे फॉर इट्स कमर्शियल न्यूज तो उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पटिशन गई कि जीएम क्रॉप्स तो यहाँ पर हार्मफुल हो सकती है अभी हमें पता नहीं है अगर कुछ हाँ मौके

अब हम चलते हैं आगे लिफ्टिंग द बेल यहाँ पर किस बारे में बताया गया है ईरान की मोरालिटी पुलिस के बारे में तो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान की मोरालिटी पुलिस को एबॉलिश किया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है बाय द ईरान्स इंटीरियर मिनिस्ट्री इसीलिए प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं प्रोटेस्ट यहाँ पर रुके नहीं है क्यों ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर एक बाईस वर्षीय लड़की जिसका नाम था महासा अमीनी उन्होंने इनकरेक्ट तरीके से हिजाब पहन रखा था अकॉर्डिंग टू द मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान और जिसकी वजह से उनको यहाँ पर डिटेन किया जाता है और वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद हमें ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं तो ये जो मोरालिटी पुलिस थी ना जिन्होंने इनको डिटेन किया था महासा अमीनी को तो इसी मोरालिटी पुलिस को यहाँ पर एबॉलिश किया जा रहा है तो आफ्टर टेन वीक्स ऑफ ट्राइंग टू बीट डाउन अ रिलेंटलेस एजुटेशन अगेंस्ट द कंपलसरी वेयरिंग ऑफ द द डेथ इन कस्टडी ऑफ अ महासा अमीनी अ ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड का दिश स्टूडेंट हु फॉर नॉट वेयरिंग हर द इानियन रिजीम हैज अपियर टू ब्लिंक फर्स्ट अनाउंसमेंट यहाँ पर जो मोरालिटी पुलिस है उसको कहते हैं गश्त ए इरशाद गस्त इर्शाद और मोरालिटी पुलिस विल बी डिसबेंडेड केम फ्रॉम द कंट्रीज अटॉर्नी जनरल लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया गया है बाई द इरास इंटीरियर मिनिस्ट्री एज अ रिजल्ट अभी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट ने रुके नहीं है ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं नेक्स्ट द मॉस्क इन अयोध्या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है इसमें आपको एक भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी दिस इज़ नॉट अम्बेडकर्स इंडिया ये भी आ, जो आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम कर रहा है और वो भी यहाँ पर कोई पॉजिटिव क्रिटिसम नहीं है लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा आर्टिकल्स आज इम्पॉर्टेंट है ही नहीं तो इंडिया हैज़ गेन द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी तो ऑथरने है वैसे भी आपके पास जो जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी आई है ये रोटेशन से आई है ऐसा आपने कुछ बड़ा काम नहीं किया कि आपको यहाँ पर जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी दे दी गई है तो द इंडिया हैज गेंद द जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी बाई रोटेशन लेकिन दिखाने की ऐसी कोशिश की जा रही है कि यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का अचीवमेंट ये तो आपको रोटेशन से मिली है प्रेसिडेंसी देर इज़ अ पब्लिसिटी इन इन द ने ऑफ द पी एम मोदी की इंडिया का जी ट्वेंटी एजेंडा इंक्लूसिव होगा एम्बिश होगा एक्शन ओरिएटेड होगा डिसाइसिव होगा लेट्स वर्क टुगेदर टू शेप अ न्यू पैराडाइम ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जाता है इंडिया को तो ऐसे इंटरनेशनल रैंकिंग्स है जो कि ये कहता है कि इंडिया तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ही नहीं यहाँ पर मिनोरिटीज का ऑपरेशन होता है 2022 में इंडिया के रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एक थी पचाससी एक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एंड द एटी फिफ्थ पोजिशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 71 ऑन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 77 ऑन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एंड 46 इन डेमोक्रेसी इंडेक्स न्यू लिबरल पॉलिसीज एग्रेसिवलीसूड बाई द प्रेजेंट रिज्यम जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर कर रहे हैं एक डिवाइसिव सेक्टेरियन एंड कम्युनल एजेंडा तो आप समझ सकते हो आर्टिकल ने यहाँ पर कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है क्रिटिसिज्म करना ठीक होता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए इस तरीके का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए अब हम चलते हैं आगे चैम्पियनिंग द ग्लोबल साउथ तो ये वर्ड हम काफ़ी बार डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ की इंडिया यहाँ पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनेगा तो ग्लोल साउथ कौन से कंट्रीज़ हैं तो आप समझ सकते हो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जा रहा है ग्लोबल साउथ तो क्या इंडिया यहाँ पर ग्लोल साउथ का लीडर बनना चाहता है एज इट टेक्स चार्ज ऑफ द जी ट्वेंटी फोरम डेली इज प्रोक्लेमिंग अ न्यू एम्बिशन तो ये एम्बिशन क्या है कि हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ के कॉस् को चैम्पियन करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जब रशिया में गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि वॉर की वजह से जो ग्लोबल साउथ है बहुत ज़्यादा पेन में है क्योंकि फर्टिलाइजर के प्राइजेज बहुत ज़्यादा है फूड के प्राइजेज बहुत ज्यादा है साम एंड डेली वेलम द रिटर्न टू द आइडियाज दट सो एनिमेटेड इंडिया इन द पास्ट कि क्या हम यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी ग्लोबल साउथ और बाकी यहाँ पर कुछ कंट्रीज उनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर ब्रिक्स जैसी जो यहाँ पर फोरम से इनको डाउनग्रेड कर सकते हैं अगर हम ग्लोबल साउथ को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे डू नॉट फॉरगेट डेट द नाम एंड द थर्ड वर्ल्ड वर अगेंस्ट द नॉर्थ एज अ होल तो ऐसा नहीं कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट नहीं था इनका ये था कि हमें यहाँ पर ना ही सोवियत यूनियन की तरफ जाना है और ना ही हमें वेस्टर्न यू एस की तरफ जाना है तो डो नॉट फॉगेट दैट द नाम एंड थर्ड वर्ड वर्ड अगेंस्ट द नॉर्थज अ होल दैट इंक्लूडेड सोवियत यूनियन एंड नॉट जस्ट द वेस्ट द आइडिया ऑफ द थर्ड वर्ल्ड अंडरलाइंड वॉज नॉट ओनली डिफरेंट फ्राम द फर्स्ट द कैपिटलिस्ट वेस्ट इसके अलावा डिफरेंट था सोशलिस्ट ईस्ट से भी अदर आस्क हाउ डज द क्लेम टू चैपियन द ग्लोबल साउथ स्क्वायर विद इंडियाज आइडिया वसुदैव कुटुंबकम अब यहाँ पर ने क्वेश्चन उठाया कि आप तो यहाँ पर वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हो वर्ल्ड इज वन फैमिली तो आप यहाँ पर सिर्फ ग्लोबल साउथ के जो यहाँ पर कॉजे हैं उनको ही क्यों चैंपियन करना चाहते हो क्या डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या आप यहाँ पर एक पार्ट को दूसरे पार्ट के अगेंस्ट पिट करना चाहते हो इज इंडिया कमेटी टू यूनिवर्सलिज्म और मोबिलाइजिंग वन पार्ट अगेंस्ट अनदर चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ एंड इंडिया कान सिंपली टर्न द क्लॉक बैक अभी इसका हम रेफरेंस डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है बाय द नाइनटीन एटीज़ मोस्ट कंट्रीज हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड थर्ड पाथ और हमने यहाँ पर देखा जो भी यहाँ पर कंट्रीज हैं वो या तो यूएसए की तरफ अलाइन होने लग गए थे या तो यहाँ पर सोवियत यूनियन की तरफ जो कि यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होकर रशिया हो गया था उसकी तरफ बाद में अलाइन होने लग गए थे वाइल इंडिया कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द नाम समिट्स इन वेरियस एफिलेटेड फोरम्स इन द यूनाइटेड नेशन लेकिन यहाँ पर जो नाम की रेलिवेंस थी वो यहाँ पर थोड़ी कम होने लगी तो ये मीन्स में क्वेश्चन भी आ चुका है आई थिंक किसी ऑप्शन में आया था पी एस आई आर में ये जो नाम है इसकी क्या रेलिवेंस है प्रेजेंट टाइम्स में चाइना साउथ अ ग्लोबल साउथ एज अज इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी तो चाइना यहाँ पर ग्लोबल साउथ को एक इकोनॉमिक एंड जियो पोलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव आपको पता ही है चाइना यहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुंस को भी बनाने की कोशिश कर रहा था तो so ऐसे में चाइना बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा था ग्लोबल साउथ को लेकर इंडिया हैज बिन ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद चाइनाज राइज ऑन इट्स ओन नेबरहुड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द इंडियन ओशन यूएस एंड यूरोप हैव जस्ट डिसकवर्ड की इन्होंने कितना ग्राउंड लॉड कर दिया है ग्लोबल साउथ में टू तो बीजिंग एंड मॉस्को तो ग्लोबल साउथ में हाँ आपको इंफ्लुएंस मिल जाएगा बेजिंग का मॉस्को का लेकिन आपको यूएस और यूरोप का नहीं मिलेगा और ये बात इस बात से भी समझ आती है कि यहां पर जब यूएस और यूरोप ने सेंक्शन लगाए रशिया के ऊपर उसके बाद भी यहां पर ये वाले जो कंट्रीज है ग्लोबल साउथ वाले यहां पर लगातार रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं देयर प्रोलॉन्ड पोलिटिकल ने

बाकी यहाँ पर जो यूरोप है ये ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की क्योंकि यहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है ग्लोबल साउथ के ऊपर तो इस इन्फ्लुएंस को यहाँ पर यूरोप भी लेना चाह रहे हैं कि हम भी यहाँ पर थोड़े असर्टिव बने जाकर मीन वाइल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इज ईगर टू एक्सप्लॉय द सेटबैक्स टू यू पॉलिसीज़ इन द मिडिल ईस्ट क्योंकि यूएस ने कभी भी यहाँ पर वाशिंगटन को हमेशा जो वाशिंगटन है इसने हमेशा यहाँ पर अरब को फॉर ग्रांटेड लिया वो यहाँ पर अरब की इंपॉर्टेंस को समझता ही नहीं था ड्यूरिंग हिज मच एंटिसपेटेड विजिट टू सऊदी अरेबिया तो यहाँ पर जो शी जिनपिंग है सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं और इसके अलावा यहाँ पर शी जिनपिंग पार्टिसिपेट करेंगे इरा सीनो अरब समिट तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अरब है ये भी यहाँ पर वाशिंगटन से थोड़ा दूर जाना चाहता है और यहाँ पर जो बीजिंग है वो तो तैयारी है तो हिज विजिट विल हाईलाइट द ग्रोइंग कन्वर्जेंस बिटवीन द अरब क्वेस्ट फॉर द स्ट्रेटिक डायवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम द बेस्ट और यहाँ पर जो बीजिंग की डिटर्मिनेशन टू पिच इट्स टेंट इन द अरेबिया तो हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो वॉशिंगटन और बाकी यहाँ पर जो अरब कंट्रीज है उनके रिलेशन यहाँ पर थोड़े डायलूट हो जाएँ और यहाँ पर जो सीनो और अरब के रिलेशन है ये यहाँ पर थोड़े ऊपर चले जाएँ बुथ सिंपली वी आर एंट्रिंग एंड एरफ री न्यूड ग्रेट पावर कंपिटीशन ऑफ द ग्लोबल साउथ तो ग्लोबल साउथ को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटन होने वाला है इंडिया टू हेज राइजन इन द इंटरनेशनल कि इंडिया बन बनने वाला है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी अभी तो हम यहां पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है इंडिया ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू रिबिल्ड अ ग्लोबल ट्रेड यूनियन अगेंस्ट द नॉर्थ और ऐसा नहीं है कि हम पर ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ ये पिट नहीं कर रहे हैं हम इंडिया इज वीकर टू बिकम अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ तो हम सिर्फ यहां पर ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ के बीच में इन रीेंट ईयर डेली हैज ऑफन टॉक ऑफ इट अ साउथ वेस्टर्न पावर साउथ वेस्टर्न पावर का क्या मतलब है कि हमारे लिए ग्लोबल साउथ भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यूएस भी इंपॉर्टेंट यूरोप भी इंपॉर्टेंट है इनके साथ भी हमारे लिए पार्टनरशिपो

ग्रुप नहीं है और सबका यहां पर एक सेम एजेंडा नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है हमें हर रीजन के उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझने की जरूरत है तो देर इज मच डिफ्रेंसिएशन विद इन द साउथ टुडे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड पावर नीड्स एंड केपेबिलिटीज तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए टेलर्ड होनी चाहिए कस्टमाइज होनी चाहिए टू डिफरेंट रीजन एंड ग्रुप्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड नेक्स्ट काउंटिंग द पुअर तो यहाँ पर ऑथर ने यह बताया कि इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा पुअर लोग रहते हैं इंडिया में तो क्या करने की जरूरत है इंडिया को अभी भी एक वेलफेयर स्टेट बने रहने की जरूरत है तो नंबर सजेस्ट द नीड फॉर अ वेलफेयर स्टेट वर्ल्ड बैंक यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम पर डे विच इज नाउ टेकिंग एट वन पॉइंट नाइन डॉलर रफली अगर इंडिया में देखें तो ट्रांसलेट होता है वन सिक्सटी अ डे इन इंडिया एंड फॉर अ फैमिली ऑफ फोर वुड मीन रुपीज सिक्स फोर्टी अ डे ऑन अ मंथली बेसिस दिस विल कम टू अराउंड नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड रुपीज टू पॉइंट थ्री लैख फॉर अ ईयर तो अगर आप यहाँ पर इनकम टैक्स की बेसिस पर निकालना चाहो कि कितने लोग पुवर हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तो आठ सौ मिलियन लोगों को यहाँ पर कवर किया गया था इंट्यूटिवली दिस मीन्स दैट नियरली सिक्सटी परसेंट जो यहाँ पर पॉपुलेशन है इसको यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत थी और अगर आप ये मान लो कि सिक्सटी परसेंट यहाँ पर नीडी और

को बिल्ड करना है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ बिग रोल टू प्ले हियर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर रिवाइव करना है जिसकी वजह से मीनिंगफुल जॉब्स यहाँ पर क्रिएट हो अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज नीडेड टू पुश दिस एजेंडा फॉरवर्ड विल टेक लीगल एक्शन इफ महाराष्ट्र टीम विजिट्स बे तो बेलगावी यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है किसके बीच में कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में तो आपको सिर्फ यहाँ पर बेलगावी के बारे में पता होना चाहिए इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था महाजन का मिशन बाकी यहाँ पर स्टबल बर्निंग में थोड़ा कम स्टबल बर्निंग हुई है कंपेयर किया जाए तो इन पंजाब हरियाणा एंड एन सी आर थर्टी परसेंट फॉल इन स्टबल फायर्स फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी वन और बाकी यहाँ पर स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए यहाँ पर कुछ मशीस है फॉर एग्जाम्पल हैप्पी सीडर मशीन्स लेकिन यहाँ पर फार्मर्स उसका यूज नहीं करना चाहते हैं उसको लेकर काफी रजिस्ट करते हैं क्यों रजिस्ट करते हैं ये सारे हम रीज़न पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डेली में यहाँ पर एयर पोल्यूशन क्यों रहता है और एयर पोल्यूशन का सिर्फ रीज़न यहाँ पर स्टबल वर्निंग नहीं है वीकुलर पॉल्यूशन है उसके अलावा यहाँ पर वेदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें इसी टाइम की उतना ज़्यादा पोलूशन देखने को मिलता है आर बी आई ऑल ड्यू प्रोसेस फॉलोड वाई इंप्लीमेंटिंग नोट बैन तो जो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स क्लास टू है वो ये कहता है ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बैंक द सेंटर में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक के रेकमेंडेशन पर सेंटर ठीक है लेकिन हुआ क्या डीमोनिटाइजेशन के दौरान कि यहाँ पर जो इनिशिएशन आया वो यहाँ पर सेंटर की तरफ से आया ना कि आरबीआई की तरफ से तो उसको ही लेकर पटिशन है कि यहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो ही नहीं किया गया तो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स क्लॉस टू सेज दैट ऑन रेकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक द सेंटर में बाई नोटिफिकेशन इन द गजट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के नोट हैं ये अब से यहाँ पर लीगल टेंडर नहीं रहेंगे लेकिन बात यहाँ पर की गई है कि रिकमेंडेशन कहाँ से आएगा सेंट्रल बैंक की तरफ से ना कि सेंटर की तरफ से लेकिन जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था दो में तो उस समय यहाँ पर जो ये इनिशिएट किया गया था प्रोसेस ये सेंटर के द्वारा किया गया था ना कि यहाँ पर आर के द्वारा किया गया था तो उसके ही लेकर यहाँ पर पिटिशन है लेकिन आर का ये कहना है सारे ही ड्यू प्रोसेस फॉलो किए गए थे वाइल इंप्लीमेंटिंग नोट बैन वर्ड पेज पर यहाँ पर जो ऑयल प्राइस प्राइस कैप लगा दी गई है सिक्सटी डॉलर पर बैरल की यहाँ पर किसके द्वारा जी सेवन यूरोपियन यूनियन एंड ऑस्ट्रेलिया की अगर किसी को भी यहाँ पर रशिया से ऑयल लेना है तो वो सिक्सटी डॉलर पर बैरल से कम पर कम पर ले सकता है या सेम प्राइस पर ले सकता है लेकिन सिक्सटी डॉलर पर बैरल से ज़्यादा पर नहीं लेगा क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर रशिया के जो है उसको यहाँ पर हिट करना चाहते हैं जिसकी वजह से वॉर यहाँ पर बंद हो गॉबलिन मोड चोजन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर तो गॉब्लिन का क्या मतलब होता है गॉब्लिन मोड का अ टाइप ऑफ बिहेवियर जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल्फ इंटेलिजेंट है इंसान बहुत ज़्यादा लेजी है और जो यहाँ पर सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर एक तरीके की उसके अगेंस्ट जाता है रिजेक्ट करता है अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज़ अनएपोलॉजिटिकली सेल्फ इंटेलिजेंट लेजी ग्रेडी टिपिकली इन अ वे दैट रिजेक्ट्स सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन और कुछ टाइम पहले हमने मेरी वेबस्टर का वर्ड डिस्कस किया था गैस लाइटिंग गैस लाइटिंग का क्या मतलब होता है साइकोलॉजिकल मैनुपलेशन जो कि यहाँ पर पर्सन को उसके ही जो थाट्स होते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन करने लगता है कि कहीं मैं यहाँ पर इंसेंट तो नहीं हो गया हूँ तो साइकोलॉजिकल मेनुपोलेशन इंटेंड टू मेक पर्सन क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ देयर ओन थॉट्स तो यहाँ पर दो वर्ड है गैस लाइटिंग और यहाँ पर हमने डिस्कस किया गॉबलिन मोड गॉबलिन मोड मतलब आप बहुत ज़्यादा लेजी हो सेल्फ इंटेलिजेंट हो और जो भी यहाँ पर सोशल नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन हो उसको यहाँ पर आप रिजेक्ट कर रहे हो और दूसरा यहाँ पर गैस लाइटिंग गैस लाइटिंग एक तरीके की साइकोलॉजिकल मैनुपलेशन किया जाता है जिसमें आप सामने वाले पर्सन को बिल्कुल इंसेन कर देते हो अब हम चलते हैं आगे सेल्स बाई वर्थ स्टॉप आर्म्स कंपनीज कंटिन्यू टू ग्रो इन ट्वेंटी तो यहाँ पर सीपरी की बात की गई है सीपरी कहाँ पर बेस्ड है में और सी की फुल फॉम स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है इसका यू से कोई लेना देना नहीं है ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेड टू रिसर्च इन टू कंफ्लिक्ट आर्म्स कंट्रोल एंड डिस आर्मामेंट एंड अ वाइडली रिस्पेक्टेड इंडिपेंडेंट रिसोर्स ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी तो सी के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट है इसका यू से कोई लेना देना नहीं है ब्राउन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें पहले से कुछ डेवलपमेंट हो रखा है उसके ऊपर से कुछ डेवलपमेंट चल रहा है ठीक है तो मतलब पहले से कुछ डेवलपमेंट हो रखा है

अगर लॉ की देखें तो आरबीआई को यहां पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है टू से सिक्स परसेंट के बीच में तो आर बी आई इज रिक्वायर्ड बाई लॉ टू इन्श्योर डट द इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स एट फोर परसेंट और लीवे यहां पर अलाउ करता है कि सिक्स परसेंट से ऊपर नहीं होना चाहिए लेकिन मोर देन थ्री क्वार्टर से यहां पर जो इन्फ्लेशन है सिक्स परसेंट से ज्यादा है इसका मतलब यह है कि आर बी आई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल हो गया था तो आरबीआई को यहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता है गवर्नमेंट को कि आरबीआई यहाँ पर क्यों फेल हो गया था आरबीआई इज करेंटली इन द डॉक क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी सिक्स परसेंट से ज्यादा ही है तो हो सकता है कि एम पी सी मीटिंग के बाद हमें यहाँ पर रेट में इंक्रीज दिखे तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करते हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है लोग यहाँ पर ज़्यादा लोन नहीं लेते हैं और इसके अलावा लोग अपना पैसा बैंक में रखने लगते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के हाथों में कम पैसा होता है और डिमांड यहाँ पर कम हो जाती है और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पर कंट्रोल में आ जाता है तो रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स इंसेंटिवाइज पीपल टू कीप देयर मनी इन द बैंक और अदर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज दैट वुड नाउ अर्न मोर इंटरेस्ट एट द सेम टाइम हायर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिस इंसेंटिवाइज करते हैं न्यू बोरइंग्स क्योंकि यहाँ पर लोन महंगे हो जाते हैं टुगेदर दिस टू इंपल्स आर एक्सपेक्टेड टू डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी और जैसे ही यहां पर डिमांड फॉल होती है तो इन्फ्लेशन रेट भी सबसाइड हो जाता है जी ट्वेंटी डिजिटल इंट्रा एस टॉप प्रायोरिटीज हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोबल साउथ तो, तो यहां पर भी ग्लोबल साउथ की सिग्निफिकेंस को यहां पर पॉइंट किया गया है इंडिया लिस्टेड आउट एक्सिलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑन एसडीजी एस 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 एसडीजी को अचीव करने के लिए यहाँ पर जरूरत है पर्टिकुलरली हेल्थ एंड एजुकेशन और बाकी जो थीम है वो क्या है वसुदेफ कुटनकम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और बाकी यहां पर थ्री एफ के ऊपर फोकस करना फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स क्योंकि इनका प्राइस बहुत ज्यादा है आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा और विमेन लेड डेवलपमेंट होने की जरूरत है आर पर्स्पेक्टिव इज दैट वी शुड हैव अ विन विन कोलाबोरेशन बिटवीन ऑल ऑफ अस डेवलपिंग कंट्रीज एंड एडवांस्ड इकोनमीज तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम यहां पर एडवांस्ड इकॉमीज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं द शेरपा ट्रैक विच विल सेट द एजेंडा फॉर द जी लीडर्स इन सेप्टेबर ट्वेंटी तो यहां पर तेरह वर्किंग ग्रुप्स होंगे जो कि एंगेज करेंगे ऑन टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स है? हैं एनर्जी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म एग्रीकल्चर डिजिटल इकोनॉमी हेल्थ एजुकेशन कल्चर एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन अलॉन्ग विद पॉइंट्स फ्रॉम द टू न्यू ग्रुप्स जो कि डिजास्टर रिस्क एंड रेजिलियंस ग्रुप एंड स्टार्टअप ट्वेंटी एगेजमेंट ग्रुप ब्रॉड टू द फो फ्रंट बाई इंडिया अब यह सब कुछ आपको भी पता है कि एनर्जी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ये सब इंपॉर्टेंट इसके ऊपर यहां पर एंगेजमेंट होगा लेकिन क्या आप एग्जाम में लिख सकते हो क्या आप मेन आंसर राइटिंग में इन सबको इंक्लूड कर सकते हो तो इंक्लूड करने के लिए ही हम इसको रीड करते हैं कि आपके पास यहां पर और आप आंसर राइटिंग में यूज कर सको क्योंकि प्रैसे तो भी नहीं पूछा जाएगा प्री ट्वेंटी के बारे में पूछा जाएगा फिर नेक्स्ट यहाँ पर सर्विस पीएमआई हेट्स थ्री मंथ है तो अगर फिफ्टी से ज्यादा होता है तो उसका मतलब होता है एक्सपेंशन और फिफ्टी से कम होता है तो उसका मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन तो इन परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पार्लेंस अगर यहां पर प्रिंट अफ्टी इसका मतलब एक्सपेंशन और अगर फिफ्टी से कम का स्कोर इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन तो आज के न्यूजपेपर में तो इतना ही अगर आपको यहां पर इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो ये आपको कॉस्ट करेगा हंड्रेड रुपीज पर मंथ तो आपको यहां पर हर टॉपिक से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है देन यू हैव टू चेंज योर प्रवेशी सेटिंग्स फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है प्रेवसी एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स वहां पर आपको एवरीबडी चूज करना है यू कैन पे वाई या यू पी आई टू द मैं यू पी आई आई एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉग टेलीग्राम यूजर आई डी टू द मैं ई मेल आई डी सेकेंड प्रोग्राम करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेस से कवर किया जा रहा है आपको यहां पर डेली लेक्चर्स मिलेंगे पर्सनल डाउट क्लियरिंग होंगे जो स्टार्ट पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और ये सीरीज आपको रहेगी एंड आपके मीन के लिए यूजफुल रहेगी इसका प्राइस है टू थाउजेंड रुपीज पर मंथ अगर आप इंटरेस्टेड हो मेक पेमेंट फायशन यूपीआई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम ई मेल आई

जी एम क्रॉप्स तो हम पहले से ही कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम जिन कंट्री से कुकिंग ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स परमिटेड हैं फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि एलोरमेंट करके किसी का रिलीजन कन्वर्ट नहीं कराना ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है फिर इंडिया की जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी हमें किस टाइम में मिली है जब यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है बाकी यहाँ पर फर्टिलाइजर के प्राइजेज बहुत ज़्यादा फूड के प्राइजेज बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है फिर हम आगे चले और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रिंट डिजिटल सेल्फ रेगुलेशन न्यूज़ एसोसिएशन तो इसको यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया है लिफ्टिंग द वेल तो यहाँ पर जो ईरान की मोरलिटी पुलिस है उसको यहाँ पर डिसबैंड डिसबैंड uh, कर दिया गया है फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैंपियनिंग द ग्लोबल साउथ तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया क्या हम यहाँ पर ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ के अगेंस्ट पेट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है हम एक ब्रिज बनने का काम कर रहे हैं और वैसे भी हमें ग्लोबल साउथ को लेकर अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने की जरूरत है क्योंकि बीजिंग और मॉस्को की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बन गई है काउंटिंग द पुअर तो यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग पुअ हैं एटलीस्ट आप समझ जाओ कि थर्टी परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो ज़रूरत है कि सरकार यहाँ पर वेलफेयर स्टेट को ही आगे बढ़ाए विल टेक लीगल एक्शन इफ महाराष्ट्र टीम विजिट्स बेलगावी तो बेलगावी यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया किसके बीच में कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच में ऑल ड्यू प्रोसेस फॉलोड वाइल इंप्लीमेंटिंग नोट बैन तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आनी चाहिए थी ये आनी चाहिए थी आर बी आई की तरफ से लेकिन ये आई थी सेंटर की तरफ से फिर यहाँ पर हमने डिस्कस किया था गॉब्लिन मोड इसका क्या मीनिंग होता है गैस लाइटिंग इसका क्या मीनिंग होता है सीपरी के बारे में डिस्कस किया कि सीपरी एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और ये स्टॉकहोम बेस्ड है और इसका कोई लेना देना नहीं है यूएन से फिर यहाँ पर एम की मीटिंग होगी डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना है नहीं करना है जी ट्वेंटी सबमिट तो इंडिया ने यहाँ पर एस के लिए पिच किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एस टॉप प्रायोरिटीज अगर यहाँ पर पी एम से ऊपर होता है मतलब एक्सपेंशन फिफ्टी से कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन तो आई होप आपको सबको समझ आ गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अनाइस डे